लोकसभा चुनाव के बीच गुजरात में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की है। सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच दी। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ से इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। अब बता दें कि सूरत में एक दिन पहले कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुमारी का पर्चा रद्द होने पर समीकरण बदल गए थे। बीएसपी के कैंडिडेट प्यारलाल भारती ने सबसे आखिरी में पर्चा वापस लिया। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी और विश्वस्त लोगों में से माना जाता है। और बता दें कि सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बने हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी राय रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने और संविधान को बचाने का चुनाव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे, कैसे निर्विरोध निर्वाचित हो गए मुकेश दलाल। दरअसल सूरत में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने वालों में बहुजन समाज पार्टी के प्यारलाल भारती के साथ साथ अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा पहले ही खारिज हो चुका था। इसके बाद कांग्रेस ने वैकल्पिक उम्मीदवार का भी नामांकन कराया, वो भी खारिज हो गया। निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में प्रथम दृष्टया विसंगति होने के बाद पर्चे को रद्द कर दिया था। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश पटसाला का भी नामांकन रद्द हो गया। एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने और बाकियों की ओर से वापस लिए जाने के बाद मैदान में केवल मुकेश दलाल ही बचे रह गए थे, इसलिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए।